श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 9। नाच माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्याना समागमः। वे सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में यह कहा गया है, वैषम्य नैर घृण्येन। वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। हरे कृष्ण।